इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड T20 मैच। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों पहला मुकाबला यहाँ पे इंडिया ने वोन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड T20 मुकाबला होने वाला है और दोस्तों ये मुकाबला भी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त होगा। पिछला दोस्तों प्रेडिक्शन एक नंबर गया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे हार्दिक पांड्या या दोस्तों यहाँ पे आप इंडिया के किसी भी प्लेयर को दोस्तों कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इसके इस मैच के लिए यहाँ पे कैप्टनसी बिल्कुल यूनिक जाने वाली और ग्रैंड लीग के बारे में दोस्तों से बात करूँगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे दो टीम के बारे में बात करूँगा, एक यहाँ पे बांग्लादेश के और एक यहाँ पे इंडिया के पक्ष में दोस्तों बात करूँगा। दोस्तों अगर ग्रैंड लीग वन करनी है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूनिक सोचना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये सोच के टीम बनाने की यहाँ पे बांग्लादेश अगर मैच वन कर जाती है तो दोस्तों यहाँ पे कैसी टीम बनेगी। अगर यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश मैच वन करती है या दोस्तों यहाँ पे सात प्लेयर बांग्लादेश के आते हैं और यहाँ पे चार प्लेयर इंडिया के आते हैं और दोस्तों फिर भी यहाँ पे इंडिया मैच वन करती है तो इस कंडीशन में किस प्रकार टीम बनेगी, बिल्कुल यूनिक और यहाँ पे एक बेहतरीन टीम बनने वाली। सबसे दोस्तों पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों ग्राउंड की तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम आने वाला। हालांकि दोस्तों फिलहाल वहाँ पे भी फिलहाल बारिश चल रही है, मौसम थोड़ा वहाँ पे वेदर थोड़ा वहाँ पे क्लाउडी है और थोड़ी सी पिच वहाँ पे नमी है। अगर वहाँ पे पिच में नमी हुई तो यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग चलने के चांस ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पे बिल्कुल गेम में आने वाले हैं बांग्लादेश के बॉलर। अगर आप इनको स्किप कर रहे हो और सोच रहे हो यहाँ पे ग्रैंड लीग वन कर जाओगे दोस्तों बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। इस बार यहाँ पे गेम में आने वाले हैं बांग्लादेश के बॉलर और जहाँ तक दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पे बल्लेबाजी इंडिया की पहले आएगी और यहाँ पे बॉलिंग दोस्तों बांग्लादेश करता नजर आएगा। और अगर दोस्तों यहाँ बांग्लादेश हारती है तो सीरीज दोस्तों यहाँ पे इंडिया के नाम हो जाएगी, तो पूरी कोशिश करेगी यहाँ पे बांग्लादेश मैच को वन करने की। तो दिमाग में सब चीज़ रखकर टीम दोस्तों क्रिएट करना। अब यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। दोस्तों पिछले मुकाबले में सैमसंग और यहाँ पे लिटन दास दोस्तों खेलते नजर आए थे और इस मुकाबले में दोस्तों यहाँ पे दोनों ही खेलते नजर आएंगे, लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पे हम एक टीम क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश के पक्ष में, यूनिक टीम बनाएंगे। अगर चल गई तो दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड लीग वन कर जाओगे या दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड लीग में अच्छा खासा अमाउंट आप उठा लोगे। सिर्फ यहाँ पे ग्रैंड लीग की दोस्तों बात करने वाला हूँ। लिटन दास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है इस लिहाज से दोस्तों यहाँ पे अगर ये वन करती है मैच को। और सेकंड दोस्तों यहाँ पे बैटिंग से बात करते हैं, यहाँ पर सूर्य कुमार, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, एन हुसैन, सांत्वना, टी हरदोई। अब दोस्तों यहाँ पे अभिषेक शर्मा पिछले मैच में दोस्तों फ्लॉप था, लेकिन इस मैच में आपको यहाँ पे परफॉर्म करता नजर आ सकता है अगर बल्लेबाजी पहले करती है या दोस्तों यहाँ पे मैच वन बांग्लादेश करती है तो आप यहाँ पे अभिषेक शर्मा दोस्तों लेके चलोगे। और दोस्तों यहाँ से इनका ओपनर पिछले मुकाबले में भले फ्लॉप था लेकिन इस बार आप इसको यहाँ पे लेके चलोगे। और आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अगर नीचे जाओगे तो आपके लिए यहाँ पे टी हरदोई भी इंपॉर्टेंट दोस्तों पिक होने वाला। दोस्तों फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये चार बल्लेबाज दोस्तों लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे चार प्लेयर लेके चल रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों पिक रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ मैं ऑलराउंडर सेक्शन से। कुछ प्लेयर दोस्तों यहाँ पे फ्लॉप थे जिनकी दोस्तों ना तो बैटिंग आई ना ही दोस्तों बॉलिंग में कुछ खास कर पाए, लेकिन इस मुकाबले में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ दोस्तों पॉइंट देने वाले। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर महमूदुल्ला दोस्तों इस बार यहाँ पर रहने वाला है और दोस्तों यहाँ पे आर हुसैन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। अगर बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों बात करता हूँ, डेफिनेटली अगर पहले बॉलिंग करती है तो यहाँ पर तकसीन अहमद दोस्तों बहुत ही अच्छी परफॉर्म दोस्तों यहाँ पर दे सकता है और दोस्तों यहाँ से सोफुल इस्लाम भी दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्म दे सकता है। हालांकि एक दो चेंजिंग दोस्तों ये कर सकती है, यहाँ पर टी साकिब को भी अंदर ले सकते हैं और उस कंडीशन में टी साकिब दोस्तों गेम में आएगा और सी बी सी दोस्तों अपने आप बनता हुआ दोस्तों नजर आ सकता है। अब दोस्तों आप यहाँ ध्यान से टीम देखो, यहाँ पे आठ प्लेयर हमें मिल चुके हैं, यानी सात प्लेयर हमें यहाँ बांग्लादेश के और एक प्लेयर दोस्तों यहाँ पे इंडिया का मिल चुका है। अब यहाँ पे तीन प्लेयर इंडिया के बचते हैं, वो कौन कौन से दोस्तों होंगे, किन किन को आपको यहाँ पे ट्राई करना है दोस्तों सारी बात आप यहाँ पे समझ लो। दोस्तों यहाँ पे रियान पराग भी आपको यहाँ पे ट्राई करना है और यहाँ पे नीतीश रेड्डी भी दोस्तों आपको यहाँ पे ट्राई करना है। पिछले मैच में भले ही फ्लॉप था, अगर मैच फर्स्ट आए तो दोनों ही प्लेयर आपको परफॉर्म करते नजर आएंगे। बिल्कुल यूनिक और खतरनाक टीम दोस्तों बनती नजर आ रही है मुझे ये ग्रैंड लीग के पर्पज से। दोस्तों या तो पैसा कमा के देगी या दोस्तों इसकी एंट्री भी मर जाएगी, लेकिन रिस्क दोस्तों लेना होगा एक टीम की। दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्रैंड लीग में क्या है, 49 की एंट्री होती है और यहाँ पे करोड़ का एक प्राइज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक खिलाड़ी बचता है, एक खिलाड़ी में आप यहाँ पे हार्दिक पांड्या को दोस्तों यहाँ पे रख सकते हो, दोस्तों सुंदर को भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, या दोस्तों आप यहाँ से एक प्लेयर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे रख सकते हो सूर्य कुमार यादव। वन डाउन दोस्तों खेलने आएगा, कुछ पॉइंट अगर आपको दे दिए तो दोस्तों यहाँ पे काम सेट हो जाएगा। सूर्य कुमार के साथ दोस्तों मैं फिलहाल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों सूर्य कुमार यहाँ पे फ्लॉप हो सकता है पहली इनिंग में, तो आप यहाँ पे हार्दिक पांड्या को ले सकते हो। हार्दिक पांड्या कैसा बल्लेबाज है तो आपको बॉलिंग और बैटिंग से दोस्तों पॉइंट देगा, सूर्य कुमार को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे कैप्टनसी की मैं बात करता हूँ, तो कैप्टनसी यहाँ पर तकसीन अहमद और यहाँ पर लिटन दास से अच्छा कुछ भी ऑप्शन नहीं रहने वाला। अगर मैच वन करती है या परफॉर्म भी करती है तो ये दोस्तों पक्का परफॉर्म करेंगे। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि भले ही प्लेयर साथ बांग्लादेश के आगे मैच वन इंडिया भी कर सकती है इस कंडीशन में, तो यही दोस्तों प्लेयर इंपॉर्टेंट आएंगे। फिर दोस्तों क्या हुआ, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी चली जाएगी इंडिया के पास, यानी कि रियान पराग, नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा के दोस्तों पास कैप्टन चली जाएगी, परफॉर्म दोस्तों इधर से आ जाएगी और बांग्लादेश दोस्तों मैच भी हार जाएगी। तो ये तमाम कंडीशन आपके रखनी चाहिए और तब दोस्तों आप यहाँ पे टीम क्रिएट करो। अब बात करता हूँ दोस्तों अपनी यहाँ पे फेवरेट टीम इंडिया के बारे में कि दोस्तों सबका दिल कह रहा है यहाँ पे इंडिया मैच वन करेगी, मेरा दोस्तों दिल कह रहा है इंडिया मैच वन करे। दोस्तों इंडिया मैच वन करने के चांस 95% है, कुछ सकती बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन समझाई। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के बारे में, दोस्तों इंडिया का मैच वन करेगी डेफिनेटली समझू सैमसंग यहाँ पे ऊपर दोस्तों आपको लेना ही पड़ेगा। और आपको दोस्तों यहाँ से अभिषेक शर्मा और यहाँ से आपको सूर्य कुमार पिक करना है,
तीन प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, T20 के बेस्ट प्लेयर है। और दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों आपको यहाँ पे हार्दिक पांड्या दोस्तों बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज हम करेंगे यहाँ पे, सुंदर की जगह दोस्तों यहाँ से हम नितिश रेड्डी को लेंगे और दोस्तों CV से जरूर ट्राई करेंगे नितिश रेड्डी को, दिमाग में दोस्तों रखना। पांच प्लेयर दोस्तों मिल चुके हैं हमें यहाँ से, और यहाँ से छठा प्लेयर हमारा अर्षदीप सिंह रहने वाला, कोई डाउट की बात नहीं है, बॉलिंग से पॉइंट दोस्तों देने वाला। और दोस्तों यहाँ से वरुण चक्रवर्ती दोस्तों पिक करने वाले हैं। ये सात दोस्तों प्लेयर हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक चेंज किया नितिश रेड्डी, आपको बताऊंगा दोस्तों भले पीछे मैंने फ्लॉप था, अच्छा प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग से बहुत सारे पॉइंट दोस्तों दे सकता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे चार प्लेयर बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों इस कंडीशन में क्या है, भले ही बॉलर फैल थे लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी मदद मिलने वाली है पेसर को। तो दोस्तों यहाँ पे तकसीन अहमद को बिल्कुल भी आप यहाँ पे ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, और दोस्तों यहाँ से सैफुल इस्लाम भी आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। शुरुआती ओवर या दोस्तों बाद में यहाँ पे विकेट ड्रॉप को दिलाता है, दोस्तों बॉलर लेके चलने मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे विकेट मिलने वाले इस मैच में। अब दोस्तों बैटिंग से बात करते हैं, दोस्तों बैटिंग से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों शांतनु यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, धीरे धीरे खेलता है, ड्रीम टीम का दोस्तों मेंबर बन जाता है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ से मेहंदी हसन मिराज बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्लेयर रहने वाला। इस प्रकार से हमारी यहाँ पे इंडिया की पश्चिमी टीम आने वाली है। कैप्टनसी की मैं बात करूँ, इस बार यहाँ पे अभिषेक शर्मा को आप कैप्टन ट्राई दोस्तों कर सकते हो, या बेस्ट ऑप्शन बताऊँ अपने दिल की बात दोस्तों भले टीम फ्लॉप हो जाए लेकिन के नीतीश कुमार रेड्डी से बढ़िया दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला नहीं, भले ही फ्लॉप था दोस्तों पिछले मैच में मेरा कैप्टन था। हालांकि मैंने यहाँ पर हार्दिक पांड्या सबको बताया और मैंने यहाँ पर बेहतरीन ड्रीम टीम बताई अपनी वीडियो में, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर रेड्डी के साथ में यहाँ पर कैप्टनसी में गया, भले फ्लॉप हुआ लेकिन दोस्तों अगर चल गया तो दोस्तों यहाँ पर यूनी टीम क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर अच्छे खासे दोस्तों पैसे हम अर्न कर लेंगे। रेड्डी कैप्टन और दोस्तों यहाँ पे VC सूर्य कुमार, या मैं यहाँ पे अभिषेक शर्मा के साथ में दोस्तों जाने वाला हूँ। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो रेड्डी को, लेकिन अगर आपको सेफ जाना तो दोस्तों यहाँ पे हार्दिक पांड्या और दोस्तों यहाँ पे ये वरुण चक्रवर्ती ही बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। मैंने आपको सारी कंडीशन समझा दी, मैच इसके ही आस पास यहाँ पे रहना है, इनसे बाहर ऑप्शन जाने वाले नहीं है। दो टीमें आपको सारा गेम मैंने समझा दिया और बेहतरीन आपकी टीम क्रिएट होने वाली, दोनों टीम चाहो दोनों टीम खेल लो, एक टीम चाहो तो आप यहाँ पे एक टीम खेल सकते हो। चांस जीतने के यहाँ पे इंडिया के हैं, कोई शक की बात नहीं, 95% चांस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि परफॉर्म दूसरी टीम करती है और टीम दोस्तों दूसरी जीत जाती है, यानी कि सात प्लेयर यहाँ पे बांग्लादेश का सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों परफॉर्म कर देगी इंडिया, चार प्लेयर के इंडिया यहाँ पे कमाल धमाल कर सकते हैं और यहाँ पे मैच को वन कर सकते हैं। जो दोस्तों मैंने आपको बता दिए, अगर दोस्तों इंडिया मैच वन करती है चार प्लेयर के साथ में तो वहाँ पे जरूर दोस्तों आपको रियान पराग, नितीश कुमार रेड्डी और दोस्तों आपको यहाँ पे हार्दिक पांड्या तो जरूर दोस्तों नजर आएगा, और दोस्तों उनमें से CVC आपको बनता नजर आएगा। और सात प्लेयर दोस्तों यहाँ पे आएंगे बांग्लादेश के, भले ही मैच को हार जाए आपको लगेगा कि बांग्लादेश मैच वन कर रही है, ज़्यादा प्लेयर हम इसके लिए यूनिक दोस्तों बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको गेम समझना और यहाँ पे आपका गेम बिल्कुल सेट बैठेगा। आई होप दोस्तों आपको ये बात सही समझ में आ गई हूँ। दोस्तों फटाफट दोस्तों अगर जो इतने भाई नए वीडियो देख रहे हैं फटाफट वीडियो लाइक करो और चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि वीडियो डालता हूँ आपके पास फटाफट वीडियो दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप यहाँ पे वीडियो देख के फटाफट लाइक कर दो। दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तो दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना।